फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ झारखंड जीके। इस क्रम में मैंने वैसे प्रश्नों को शामिल किया है जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, क्योंकि वैसे प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट होने के चांसेस रहते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न झारखंड से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? इसका उत्तर है स्वर्णरेखा नदी द्रोणी। स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर चांडिल बांध जो है वो स्थित है। ये प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा तिलका मांझी। इनको 1785 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर है पाइका। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह के द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम निम्न में से कौन सा था? तो जो झारखंड पार्टी है उसका प्रारंभिक नाम जो था वो था आदिवासी महासभा। इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटानागपुर कहा जाता है? इसका उत्तर है नेतरहाट। अगला प्रश्न है कि मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ये है ऑस्ट्रो एशियाटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान में स्थित है? इसका उत्तर है रांची। अगला प्रश्न है कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? इसका उत्तर है 1785 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? इसका उत्तर है रघुवर दास। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एक औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप स्थित है? इसका उत्तर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है गिरिडीह। अगला प्रश्न है कि सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पश्चिमी सिंहभूम। सारंडा वन जो है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है बंदना। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा झारखंड सुशासी परिषद कब बनाया गया? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड सुशासी परिषद का गठन 1995 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? इसका उत्तर है भगवा। अगला प्रश्न है, झारखंड की जेल में चेतन महाजन के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था? चेतन महाजन ने जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है? इसका उत्तर है देवघर। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं।